अगर सरकार इन पे ध्यान दे ना तो हमारो कुमेरो चमन ऐसा गया कल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है अपने कुमेर के जल महल का। तो आज हम आपको कुमेर के जल महलों को दिखाएंगे आराम से, धीरे धीरे क्या है क्या नहीं है। तो अभी हमने एंट्री कर ली है और यह तहसील परिसर में है। तो यहाँ से पहले जाएंगे हम मंदिर की तरफ और फिर देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे पार्क है ऊपर, हम तुमको पार्क को दिखाएंगे और देसी भाषा में देसी ब्लॉग है। व्यवहार बालक आए गए कुमेर के, कहाँ के लाला बता रहे का कुमेर गई है। चलो बढ़िया बात है, कछु तो बोल दो हाय। जल महल कुमेर प्राचीन प्रसाद के समीप स्थित इस जल महल का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा 18वीं ईस्वी शताब्दी के मध्य में करवाया था। थोड़ा गंदगी को तो सिस्टम है ही अपने यहाँ, बाकी अगर साफ सफाई रख रखाव अगर करो जाए अच्छे से तो ये पर्यटन स्थल बन सके। ये जो दिख रहे हैं ये दो मंजिला इमारत है, ये नीचे वाली ये पानी में, ऊपर वाली ऊपर खुली हुई है। अब हम चल दिए हैं ये जल महल की तरफ जो कि दो मंजिला मैंने बताया आपको। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है तो इसको बिना स्किप किए पूरा देखो, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छे लगने की गारंटी है। आ जाओ इस ब्लॉग पर इतना प्यार देने के लिए चेंज द मौसम। तो अंकल जी ने गेट खोल रहे हैं, अंदर से देखेंगे कैसा दृश्य है और थोड़ी बहुत जानकारी बताएंगे, देखेंगे और यह चीज़ हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप भी और उनको शेयर करिए, अच्छी जानकारी है। जल महल कुमेर, ये जल महल के अंदर अब हम आ चुके हैं। यहाँ देखो अच्छा एक सेकंड भाव भले फिर दो, यहाँ देखो विशाल दीवारें हैं इसकी और कितना अच्छा देखो, और शायद ये सिंगल ही इतने बड़े बड़े पत्थर है चाचा पहले, ये देखो बहुत ही अच्छी जगह दिखा रहा हूँ तुम्हारे काजे। दोस्तों बाकी में बहुत अच्छी जगह है, ये पुरानी वाली जो जगह है मैंने आपको एक दो जगह और दिखाई हैं। तो मैं आपको कुमेर के जल महल और यहाँ का हॉल, और देखो तुम कितना सुंदर दृश्य है। अरे यहाँ अगर फिल्म की शूटिंग कराई जाए तो मज़ा आ जाए है। देखो सौंदर्यकरण ही गया, बस थोड़ा बहुत पर और रह जाए तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गंदगी वगैरह नहीं रहे, यहाँ साफ सफाई और रह जाए। दोस्तों आज हम जो जहाँ आपको लेके आए ये हमने पहले भी बता चुके हैं, तो ये है हमारा कुमेर को जल महल। अगर सरकार इन पे ध्यान दे ना तो हमारा कुमेर चमन है सके, इतना चमन है सके जाके कोई हद ना है, यहाँ विदेशी पर्यटक तक आ सके। देखे देखो कितनी अच्छी, मैं तो देख के देख ऐसा मन कर रहा हूँ देखेगा ना। तो दोस्तों मैं हूं लोकेंद्र फौजदार, आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है
कमेंट में अवश्य बताएं। ये रानी किशोरी जी यहाँ स्नान करने आती थी। बताते हैं कि यहाँ से और जो किशोरी महल है वहाँ के लिए अंडरग्राउंड नीचे सुरंग बनी हुई है, को इसका बहुत ही अच्छे से दृश्य दिखा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव का लड़का आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लाता रहूँगा। जानकारियों में आनंद आता रहेगा। आप जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें कुम्हेर ब्लॉग्स कंटिन्यू। ये शायद फब्बारे वगैरह होंगे यहाँ, मैं बहुत ही नज़दीकी थी, प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर आपको देखो नीचे एक मंजिल, ऊपर ये दूसरी मंजिल, और यहाँ बनी हुई है ये अंदर दीवार। और कितने चौक हैं चाचा यहाँ में? लगभग एक दो, ऐसी पहली तरफ दो हैं, पीछे की तरफ भी दो हैं, आगे की तरफ एक चौक। और बनावट कलाकारी, पहले इंजीनियर देखो तुम, अब कहाँ इंजीनियर पहले कंप्यूटर में और इनमें। ये देखो कढ़ाई हाथन की, ये देखो कढ़ाई का, देखो तुमने आज तक ये चीज देखो, नहीं नहीं क्या दीपकन के आ रहे धरे भाई, टेम्परेचर सेट कर देखो शायद। देखो पूरी कला, और पत्थर सिंगल पत्थर है ऊपर, देखो कितना बड़ा है ऊपर पत्थर, लाल पत्थर पूरा पटाव सिंगल पत्थर, बलुआ पत्थर है चाचा ये। कबूतर निकल गया, कबूतर ने अपना घर बना रखा है। नजर वास्तव में यार कितना अच्छा लग रहा है। चलो 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 चाचा चढ़ो, मैं आ रहा हूँ चाचा, तुम चढ़ो। मंदिर मंदिर, और यहाँ पे चावण माता का मंदिर है, हरियाली भी दिख रही होगी बहुत अच्छी। रख लो वैसे भी जा सके, दोनों जुगाड़ है। चप्पल तो चलते नहीं उतार लें, चावण मैया के ये मंदिर है, चावण मैया को, चावण मैया की सवरी पुरानी बहुत प्राचीन मूर्ति है। हाँ अलग अलग वहाँ में कुआ में अंदर है ये है चामण भैया का मंदिर, ये महाराजा सूरजमल जी के टाइम का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। बैकग्राउंड अच्छा ही लग रहा होगा। ये ब्लॉग आपको कैसा लगे हो? अगर बढ़िया लगे हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको बहुत ही जानकारी अच्छी लगी है तो आगे कुछ शेयर कर दो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाइकें। मिलेंगे जल्द ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड बाय।